मैं नेक्स्ट नाइन न्यूज वाल दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में। स्टार लाइफ में मैं आपको एक स्टार परिवार से रूबरू कराता हूं और आज के हमारे स्टार परिवार है बच्चन परिवार। दरअसल जया बच्चन का जन्मदिन आज ही है और पूरे 71 साल की जया बच्चन हो चुकी हैं। अपने जन्मदिन पर क्या कुछ कर रही हैं जया बच्चन ये तो आप जानेंगे ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो जन्मदिन का सेलिब्रेशन हुआ है उसको जया बच्चन पूरे तरीके से ही बहुत ज़्यादा छोटा सेलिब्रेशन रखना चाह रही हैं। और तभी तो आप देखेंगे किस तरह से श्वेता बच्चन के साथ सिर्फ जया बच्चन नजर आई हैं और एक रेस्टोरेंट के बाहर दोनों को देखा गया। जी हाँ, दोनों डिनर पर पहुंचे थे, इस तरह की खबर वायरल हुई। तो वहीं दोस्तों आप ये भी जानेंगे कि कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन को दूर किया गया है, थोड़ा सा दिख रहा है वो साफ, ना ही तो कोई पोस्ट ना ही कुछ तमाम तरह की चीजें। अब जानने वाले हैं कि कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन का एक अलग ही तरह की खबरें वायरल हो रही हैं जया बच्चन के जन्मदिन पर। आइए दिखाते हैं आपको ये तमाम रिपोर्ट्स। वो ऐसा लग रहा है कि बच्चन परिवार में शायद सब कुछ नॉर्मल नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन, जी हाँ, बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या ने जया बच्चन के जन्मदिन पर कोई भी पोस्ट शेयर नहीं किया। इसके अलावा ना ही कोई पोस्ट शेयर किया, तो वहीं जया बच्चन ने इस बार अपनी बेटी श्वेता के साथ ही जन्मदिन मना लिया। जी हाँ, देर रात ये लोग डिनर के लिए स्पॉट किए गए थे और दोनों ने डिनर तो किया ही और साथ ही जया बच्चन का बर्थडे भी मनाया गया। यूं तो ये बात साफ है कि जया बच्चन को अपने जन्मदिन को काफी ज्यादा ही प्राइवेट और इंटीमेट रखने में मजा आता है। जी हाँ, जया बच्चन को पसंद नहीं है शायद कि उनके बर्थडे पर ज्यादा धूमधाम हो, वो अपने परिवार के साथ ही अपना जन्मदिन मनाना पसंद करती हैं, ऐसा उनके बाकी जन्मदिन से पता लगा। खैर दोस्तों, इस बार सिर्फ श्वेता के साथ ही जया ने जन्मदिन मनाया है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या दूर हो रही है बच्चन परिवार से। जी हाँ, ना ही तो ऐश्वर्या ने पोस्ट शेयर किया और ना ही ऐश्वर्या इस बर्थडे पार्टी में नजर आई। खैर, आखिरकार क्या कुछ राज सामने आ रहे हैं ये आज की हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अब तो इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए भी बेहद ज्यादा एक्टिव रहती हैं। यूं तो ऐश्वर्या ने काफी टाइम से कोई भी पोस्ट शेयर नहीं किया है, लेकिन ऐश्वर्या इंस्टाग्राम पर है, इस बात की तो पुष्टि है ही, लेकिन हो सकता है कि ऐश्वर्या शायद अपना इंस्टाग्राम हैंडल यूज ना कर रही हो, क्योंकि काफी लंबे टाइम से उनका कोई पोस्ट ना आना इस बात की तरफ इशारा करता है। खैर, अब जया बच्चन को कैसे विश करती हैं ऐश्वर्या या फिर विश करती हैं या नहीं, हम आपको जरूर बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिरकार बच्चन परिवार में कैसे काफी ज्यादा ही ये जो खबरें वायरल आ रही हैं इनके पीछे का सच क्या है। आज है जया बच्चन का जन्मदिन और जया बच्चन के जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दी हैं श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन ने। आपको बताना चाहेंगे हम कि जया बच्चन का जन्मदिन, जया बच्चन आज 71 साल की हो चुकी हैं और इसी खास मौके पर जया बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने एक पोस्ट शेयर किया है। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन ने पोस्ट शेयर करते हुए एक फोटो शेयर की, जहां और साथ ही एक फोटो है जया बच्चन की, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है ये, जो कि आप इस वक्त हमारे इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे। और इस फोटो के साथ जया बच्चन के लिए अभिषेक ने लिखा, माँ द वर्ड सेज इट ऑल, हैप्पी बर्थडे माँ, लव यू। यानी कि माँ, ये जो शब्द है अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करता है, हैप्पी बर्थडे माँ, लव यू, यानी कि ढेर सारा प्यार भी अभिषेक ने इस पोस्ट के साथ अपनी माँ पर जताया है। इसके अलावा श्वेता बच्चन ने बहुत ही यूनिक तरीके से अपनी माँ को बर्थडे विश किया है। श्वेता बच्चन ने एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने खुद ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है और पीछे उनके जया बच्चन खड़ी हुई हैं। इस फोटो को देखकर पता लगता है कि माँ और बेटी के बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। दोस्तों आपको बता दें कि श्वेता बच्चन ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। वेल, कैप्टन मानती हैं श्वेता बच्चन अपनी माँ जया बच्चन को, और किस तरह का बॉन्ड शेयर करती हैं वो आप तस्वीरों के जरिए साफ साफ देख पा रहे होंगे। साथ ही आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कैसे लगातार ही ये तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर सनसनी तो मचा ही रही हैं और लगातार ही कैसे
श्वेता बच्चन और जया बच्चन ट्रेन में है। खैर आपको बता दें कि जया बच्चन आज 71 साल की हो चुकी हैं और साथ ही जया बच्चन को स्पॉट भी किया गया था हाल ही में। जया बच्चन ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया है बेटी श्वेता बच्चन नंदा के साथ। आपको बता दें कि बीती रात मुंबई में स्पॉट की गई जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता नंदा बच्चन के साथ और मां बेटी की जोड़ी ने जया बच्चन का जन्मदिन मनाया है और एक रेस्टोरेंट के बाहर ये स्पॉट किए गए। बॉलीवुड की अभिनेत्री जया बच्चन आज 71 साल की हो चुकी हैं और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन अदाकारों में से एक अदाकारा जया बच्चन भी रही हैं। हिंदी और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने काम भी किया हुआ है और जया बच्चन पॉलिटिशियन भी रह चुकी हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि अपने बर्थडे सेलिब्रेशंस को बहुत ज़्यादा इंटीमेट अफेयर रखती हैं जया बच्चन, यानी कि अपने सिर्फ और सिर्फ परिवार वालों के साथ ही वो बर्थडे मनाने में दिलचस्पी रखती हैं। जी हाँ, इसके अलावा जया बच्चन को देखा गया श्वेता के साथ तो वहीं रेस्टोरेंट के बाहर डिनर करके ये लोग स्पॉट किए गए थे। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जया बच्चन और श्वेता कैसे एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किए गए और साथ ही इस बार माँ बेटी नहीं जन्मदिन मना लिया जया बच्चन का। जानकारी देना चाहेंगे आप सभी को कि बेहद ज्यादा क्लोज हैं श्वेता बच्चन नंदा अपनी माँ जया बच्चन के। इस बात का खुलासा खुद श्वेता बच्चन नंदा ने ही किया था कॉफी विद करण सीजन 6 में। याद दिलाना चाहेंगे आपको, अपने भाई अभिषेक बच्चन के साथ श्वेता बच्चन नंदा कॉफी विद करण सीजन 6 में शामिल हुई थी। यहां पर श्वेता नंदा बच्चन ने ये बताया था कि कैसे जया बच्चन के यानी कि अपनी माँ के वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं और अभिषेक अपने पिता के बहुत ज्यादा क्लोज हैं और अभिषेक को लेकर उनके पिता यानी कि अमिताभ काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन काफी अच्छा बॉन्ड है आपस में सभी का। वेल, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर ही अपनी हर एक छोटी से बड़ी खबर को लेकर चर्चाओं का विषय बने रहते हैं और आज के अपने इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की लगभग 37 साल पुरानी उस परंपरा के बारे में, जिस परंपरा को अमिताभ बच्चन ने खुद ही हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। अब बता दें कि अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं और अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया साइट्स पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इसी बीच अमिताभ बच्चन द्वारा एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें 76 साल के अमिताभ बच्चन ने अपनी परंपरा के बारे में खुलकर बताया। जी हाँ, संडे से जुड़ी है ये परंपरा और हर संडे के संडे अमिताभ बच्चन इस परंपरा का पालन करते हैं। गौर हो इस बात पर कि अमिताभ बच्चन की ये परंपरा है अपने फैंस से मिलना। जी हाँ, अपने फैंस से हर संडे के संडे मुलाकात करना इस परंपरा को और साथ ही साल 1982 से लगातार ही इस परंपरा का पालन करते हैं अमिताभ बच्चन। जी हाँ, विदाउट एनी ब्रेक। और साथ ही अमिताभ बच्चन ने खुद ही शेयर किया है कि वो बिना किसी ब्रेक के इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप हमारे इस वक्त की रिपोर्ट में देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन के घर के बाहर फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। अमिताभ के चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई दी है, ये मुस्कान साफ बयां करती है कि अमिताभ बच्चन को अपने घर के बाहर फैंस को देखकर कितना ज्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ, इतनी ज्यादा भीड़ देखकर शायद उनको भी खुशी होती ही होगी और इसके अलावा ये खुशी इस बार उनके चेहरे पर साफ साफ देखने को मिल गई। वेल, जिस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब बच्चन परिवार से अलग अलग सी नजर आ रही हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। ना ही तो इस बर्थडे सेलिब्रेशन में वो शामिल हुई जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था श्वेता बच्चन के साथ, जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था जया बच्चन और श्वेता का, यहाँ पर एक डिनर डेट पर पहुंचे थे दोनों और डिनर करके दोनों रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किए गए थे। वेल दोस्तों, इसके अलावा ये कल देर रात की बात है जब डिनर करने के लिए स्पॉट किए गए थे श्वेता और जया बच्चन। खैर, यहाँ पर अब गौर करने वाली बात ये भी रही कि किस तरीके से कुछ भी पोस्ट ना ही शेयर किया गया ऐश्वर्या राय बच्चन के द्वारा। हो सकता है भाई वो थोड़ी बिजी हो या फिर कुछ
और वजह भी हो सकती है जो आपने इस रिपोर्ट में जानी होगी। इसके अलावा हमने बात की आपसे कि आखिरकार अमिताभ बच्चन की और कौन कौन सी खबरें वायरल रही, तो वहीं किस तरीके से बच्चन परिवार से जुड़ी ये खबरें इन दिनों लगातार ट्रेंड कर रही हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।